डेटा कभी भी लाइबल नहीं होता बिकॉज यू डोंट नो हु इज फिलिंग द डेटा हु इज सेंडिंग द इंफॉर्मेशन टू यू सो व्हाट इज द बेस्ट पार्ट इट इज नॉट लाइबल बट इफ यू आर डूइंग दैट देन यू हैव टू गिव सम मनी लाइक यू विल गिव समथिंग लाइक इफ यू गिव द फीडबैक टू अस देन वी विल मेक योर नेम एज एन एक्नॉलेजमेंट पार्ट और व्हाटएवर कोई ना कोई ना लालच देनी पड़ेगी तब जाकर आपके लिए आपके पास राइट डेटा आएगा देन ऑनलाइन डेटा इट इज वेरी वेरी लाइबल आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए उसमें आप अपना टॉपिक डालिए रिक्वेस्ट करिए दैट आई एम डूइंग द रिसर्च इन दिस फील्ड एंड इट इज वेरी 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 स्टडी फॉर दैट एंड फॉर दैट वी नीड योर फीडबैक सिंपल इट शुड बी नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड नेम जेंडर अच्छा क्या होता है आप देखते होंगे कभी कभी हम फिल करते हैं तो रेड स्टार आ जाता है अगर आपने उसे फिल नहीं किया तो वो एक्सेप्ट नहीं होता आपका जो फीडबैक है वो सेम नहीं होता डोंट गो फॉर दैट इफ द पीपल वांट टू गिव यू द नेम एंड डिटेल देन ओनली कैन अदरवाइज व्हाट एवर योर फीडबैक व्हिच इज रिक्वायर्ड यू कैन ओनली गो फॉर दैट इट शुड बी नॉट मैंडेटरी कि आप अपना नाम भी दें अपना एज भी बताएं अपना इनकम भी बताएं स्पेशली इनकम आप भी देते हैं वेयर यू इनकम बेस फॉर डोंट गिव अदरवाइज पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड यू बिकॉज नाउ साइबर क्राइम एंड इंफॉर्मेशन आर सेंडिंग वेरी फास्ट सो दे विल नॉट गोइंग टू गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन राइट सो दीज आर दी सम मेथड्स वेयर यू कैन कलेक्ट द डेटा वेरी इजीली एंड यूज दैट Most important part. When you start working in your thesis, working in your research, planning should be required. So many research scholars are coming to me and they are telling, madam, chapter 1 mein kya hoga, chapter 2 mein kya hoga, chapter 3 mein kya hoga. Aap matlab research aisa sochte hain ki agar main apne professor ke paas baithunga to shayad mujhe wo sari information mil jayegi jo mujhe chahiye. Lekin meri aapse request ye hai ki Then, before meeting to your professor, do homework. Do homework. और सबसे पहला जो काम आपको करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि आपका जो भी टॉपिक आपने लिया है जो भी प्रॉब्लम आपने ली है जिसपे भी आप काम करना चाह रहे हैं उस टॉपिक पे जितनी भी चीजें आप पढ़ सकते हैं वो पढ़िए यानी सबसे पहले आपको जो चैप्टर बनाना चाहिए वो बनाना चाहिए वो भी वो अब आप हमने और वीडियो प्रिपेयर जब करते गए हम नेट पे गए हमने टॉपिक डाला और लिख दिया व्यूज खुल के खूब सारे आ गए डेटा हमने क्या किया सिंपल कॉपी किया पेस्ट किया हमारा रिव्यू लिटरेचर तैयार किया हमने इसे पढ़ा या इसको सॉल्व करने का एक और तरीका निकाला यूजीसी ने कहा कि नाउ इट्स नॉट शुड इट इज नॉट एक्टिव इट शुड बी पैसिव वाइज लैंग्वेज शुड बी डिफरेंट Plagiarism should be checked in review and literature also. So, now what they have done, like suppose Dr.Monika, in this study of that. So, what she is telling, what she wants to tell you. Aapne pahe liya, then you have to write it in your own words. Jaise, main bhi aapko itna lecture le liya, to aapko likhna padega, ki she emphasized that There should be, whenever you are going to make your topic, the hobby should be there. In this way, the plan will become low because the topic become your own interest. And 100% assure you, if you go with your professor, he said, I want the research in this area because it is my interest area. No professor will say, no, don't go there. Don't go there. Because as a professor, as a researcher, वो भी जानते हैं कि आप justify कहाँ कर पाओ ठीक है इतनी चीज समझ में आती है आपको जो हमारे professors, teachers हैं वो क्या करते हैं उनको papers लिखने होते हैं different disciplines के papers होते हैं वो workshop में जाते हैं वो seminars में जाते हैं वो conferences में जाते हैं और वहां पे सर्टेन टॉपिक्स दिए होते हैं कि इस टॉपिक पे आपको पेपर बनाना है या इस टॉपिक पे आपको प्रेजेंटेशन देना है एनी हाउ इफ एनी प्रोफेसर एनी टीचर एनी रिसर्च स्कॉलर विल अप्लाई कि ही और शी शुड ऐड द रिसर्च टॉपिक विद द पेपर
you can justify with their work. Margaret has to stop. ये आपको काम करो. After that, make the don't be in a verbal way कि मैंने तो 2019 में पीएचडी में ज्वाइन किया था जी. तो देखते हैं कब तक खत्म होगी. अभी तो 7 साल है, 5 साल है, 3 साल है, और अभी तो मैटरनिटी लीव भी मिल जाएगी. डोंट वरी ना, डोंट डू इट. आपने इफ यू हैव टेकन एडमिशन इन दिसंबर 2019, मेक इट आई हैव टेकन दिस एडमिशन इन 2000 December 19, I will complete my PhD work within this time lag. Write it, paste it anywhere where you can look that particular thing every day. Because that will remind you that you have given promise to yourself. कि मुझे 3 साल के अंदर अपना काम complete करना ही है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए. उसको देखो, बार बार देखो, ठीक है? तो वर्बल ही कुछ नहीं होता, वर्बल तो चला जाता है. प्रूफ तभी होगा जब आप उसे लिखोगे. व्हाई? क्वेश्चन क्यों भाई, ऐसा क्यों? बिकॉज इन अ डे आवर ब्रेन इज गिविंग 60,000 थॉट्स. 60,000 थॉट हमारे ब्रेन में एक दिन में आते हैं. क्या 60,000 थॉट्स को याद करना इतना आसान है या हम याद कर लेते हैं? नो, नेवर. दे हैव टू कंट्रोल आवर ब्रेन. आपने भी देखा होगा कि कभी कभी आप किसी के पास बैठते होंगे, वहां कहते होंगे यार क्या बात है, समझ नहीं आ रही. और कभी आप किसी के पास बैठते होंगे, जो जो बोला समझ आया. यू नो व्हाई? बिकॉज जो थॉट मेरे दिमाग में अभी चल रहे हैं, अगर आपके थॉट मेरे थॉट से मैच कर जाते हैं, तो मैं जो चाहती हूँ वो आपको समझ आ जाए. अगर मेरे थॉट आपके थॉट से मैच नहीं करेंगे, अगर आपको ये लगेगा बाहर घूमने के लिए जल्दी से खत्म हो, 3 बजे तक खत्म करना है, जाओ, कभी मैच नहीं करेगा. बट इफ यू आर हियर एंड ट्राई टू गेट व्हाट शी इज टेलिंग, व्हाट आई एम टेलिंग, आई एम टेलिंग दैट यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग. योर रिसर्च इज फॉर यू, नॉट यू आर नॉट फॉर रिसर्च. अ पर्सन कैन मेक सो मेनी रिसर्च, बट द प्लेजर हैप्पीनेस पर महसूस होता है जब बीनम यादव के नाम के आगे डॉक्टर बीनम लग जाए. जब वो जो डी आर वर्ड है वो हमारी लाइफ को बदल देता है. और आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिस दिन वायरल होता है उनका फेस इतना रुला करता है कि मैं क्या करूं. कश्मीर जैसा लाल लाल बिल्कुल. और जब कभी भी मैं आपके सामने आती हूँ और आपको लगता है कि सही है, आपने ताली बजाते, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि यस आई एम राइट. थैंक यू सो मच. ये बहुत जरूरी है बिकॉज इट कैन चेंज आवर आइडेंटिटी. आप मुझे कोई मोनिका नहीं बोलेगा, डॉक्टर मोनिका बोलेगा. द प्राइस विच आई फील दैट प्राइस इज इम्पोर्टेंट. एंड जरा सोच लो कि कहीं से बेमानी करके वो डीआर लगाया, तो जितनी बार आपको डॉक्टर बोलेगा ना कोई, आपको लगेगा यार वो चैप्टर फॉर हमने चुरा के लिखा. और अगर जितनी बार आपको बोला डॉक्टर, क्या बात है, 7 साल दिए मैंने अपने काम को, 5 साल दिए मैंने अपने काम को, और इतना काम किया, पूछ लो किस चैप्टर से क्या पूछते हो, बताती हूँ. मैं लोग किसी दे रखती है, पूछो साहब. इट विल कम ओनली वेन यू आर कॉन्फिडेंट इन इट. And when you are confident enough, when you are hard working, when you are giving not only your money, your soul, tan, man, dhan, जब तीनों मिलते हैं तभी कुछ अच्छा काम होता है. ठीक है? I hope this 22 minutes of lecture has given you little bit but something information which really we all require, because motivation comes from here. If we are motivating from here, or जिनके husbands हैं, जिनके बच्चे हैं, या जिनको शादी करने का pressure है, बहुत सारी problems होती है हमारे दिमाग में, हमारे society में, ठीक है? उसके बाद हमें अपना काम भी करना है, हमें अपना job भी देखना है,
हमें अपनी पढ़ाई भी करनी है, हमें पेपर भी निकालना है, कैसे करें? व्हाट इज द सॉल्यूशन? कैसे हम मैच करेंगे? ओनली व्हेन वी स्टार्ट लविंग आवर वर्क. क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उसे छोड़ नहीं पाते, उसका हर एक दीदार, उसका हर एक आलम हमें अच्छा लगता है, उससे कभी भी मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग नहीं लगती है. सो ऑलवेज योर वर्क विच इज क्रिटिसिज्म ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, वेन एवर यू विल गो यू विल फाइंड योर सेल्फ, यस क्या जिंदगी जी मैंने, क्या काम किया मैंने, आई एम द हैप्पीएस्ट वन. मे गॉड विल ब्लेस यू हैप्पीनेस, मे गॉड विल गिव यू स्ट्रेंथ टू कंप्लीट योर टास्क. थैंक यू वेरी मच.